विजय सर को बुलाता हूँ। हेलो हेलो विजय सर। हाँ बोलो दीपक। सर इधर लफड़ा हुआ है। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ सर। कहाँ हो तुम? इधर पानी चिल्ली में। ठीक है हम अभी पहुँचते हैं। सर कहाँ है गाड़ी? सर आदमी भी वही है और गाड़ी भी वही है। जा पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर मुझे क्या हो रहा है? आप प्लीज यहां से चले जाइए। नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। क्या करें सर? CID को फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो सर। संगत कहाँ है? सर गाड़ी के अंदर। एक ही बार में गले की नस काट दी है। लगता है सर मरे हुए काफी समय हो गया। देखो गाड़ी में और क्या क्या मिलता। सर यहाँ ये गाड़ी की पिछली सीट पे खून के धब्बे। सर अंगद की लाश तो ड्राइवर सीट पर, फिर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर खून के धब्बे कैसे हैं? हाँ पुलिस ये बात तो है। आपको कैसे पता चला कि इंद्राणी और रक्षिता के मर्डर केस में अंगद का कनेक्शन? दरअसल बात यह है सर कि 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सलुंखे के साथ देखा, तभी जिंदा था। वो 10 सितंबर की रात हम जेल से फरार दो कैदी टीपू और जग्गू का पीछा करते हुए वहाँ पर लगातार फायर कर रहे थे। वहाँ पार्क की हुई एक गाड़ी के पीछे से भागते हुए वो जंगल में छिप गए। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुँचा तो डॉक्टर सालुंखे को उस गाड़ी से निकलते देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। इंस्पेक्टर विजय क्या हो रहा है यहाँ पर? सर हम कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे हैं, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। सर मैंने कहा ना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, प्लीज आप चले जाइए और उन्हें भी अपने साथ ले जाइए। सितंबर को आपने डॉक्टर सालुंखे को अंगद के साथ देखा था? 10 सितंबर को तो इंद्राणी और लक्षिता का खून हुआ था। सर हमने उनसे कहा था कि वो दोनों वहां से चले जाएं। वहां गोलियां चल रही, उनकी जान को खतरा था, लेकिन डॉक्टर सालुंखे जिद करने लगे कि उन्हें इस आदमी से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात समझ में नहीं आई, लक्षिता और इंद्राणी के मर्डर से पहले सालुंखे साहब अंगद को कैसे जानते थे और आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो उस रात अंगद से मिलने गए? ये सवाल तो डॉक्टर सालुंखे से ऐसे भी सर ही पूछ सकता है। ये रही डॉक्टर सालुंखे के तैयार की गई फोरेंसिक रिपोर्ट जो उन्होंने सितंबर 11 को तैयार की थी, और इस फोल्डर में दोबारा की तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो तारिक और मैंने मिलकर तैयार की। और क्या अंतर है दोनों में? डॉक्टर सालुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी और लक्षिता का खून रात 9 और 11 बजे के बीच हुआ, जबकि सच तो यह है कि दोनों की मौत रात 8 बजे के पहले हो चुकी थी। क्या? 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सालुंखे के साथ देखा था। लेकिन डॉक्टर सालुंखे ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे भी हैरानी हो रही है अभी की। और तो और लाश के ऊपर जो बुलेट वाउंड थे उसके साइज भी उन्होंने गलत लिखी थी।
असली घाव तो इससे काफी छोटे थे। नहीं नहीं नहीं, सालुंखे साहब ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के हाथों से कोई गलती हुई हो? इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हमने रीचेक किया था। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या दूसरी बार किया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही होता है? यू आर राइट ऑफिसर, 24 घंटों के अंदर अंदर की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसके बाद बॉडी के ऑर्गन सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्रिजर्व की गई लाशों पर ब्लड कल्चर्स और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर तो लक्षिता और इंद्राणी को मरे हुए तो 5 दिन हो गए। यू आर राइट ऑफिसर, डॉक्टर तारिका ने घाव के वीडियोज और फोटोज तब लिए थे जब घाव ताजे थे। इसे दोबारा ऑटोप्सी करने में हमें बहुत हेल्प मिली। डॉक्टर तारिका, आपने ये सब मैंने इसलिए किया अभिजीत, मुझे डॉक्टर सालुंखे पर शक हो रहा था कि वो पोस्टमार्टम ठीक से नहीं कर रहे। सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है तारिका, तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, डॉक्टर सालुंखे के साथ गद्दारी नहीं। और क्या है जो डॉक्टर सालुंखे ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है या गलत लिखा है डॉक्टर समीर? एक बहुत जरूरी बात, आइए मेरे साथ। डॉक्टर सालुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षिता पर करीब करीब 10 फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी और इंद्राणी पर करीब 8 फीट की दूरी से। हाँ सर, जहाँ से खूनियों ने गोली चलाई थी वहाँ से 8 से 10 फीट का डिफरेंस था। लेकिन घाव के टिश्यू कल्चर से हमें ये पता चला है कि खूनी ने लगभग 20 से 25 फीट की दूरी से गोली चलाई थी और खून पिस्टल से नहीं बल्कि स्नाइपर राइफल से हुआ था। स्नाइपर राइफल से? सर, कोई घर में स्नाइपर राइफल यूज क्यों करेगा? और वैसे भी विशाल, शौनक और राहुल ने कहा था कि उन्होंने पिस्टल इस्तेमाल की थी और सर्चिंग के टाइम हमें कोई राइफल मिली भी नहीं थी। और डॉक्टर तारिका, फार्म हाउस से हमें ये 9mm बुलेट्स मिले, किसी राइफल के बुलेट्स नहीं। यही बात तो हम साबित करना चाहते हैं रजत, कि खूनी ने पिस्टल से नहीं बल्कि राइफल की हाई स्पीड बुलेट से खून किया था। और जब वो गोलियां लक्षिता और इंद्राणी के शरीर से बाहर निकल गई तब खूनियों ने वो गोली कहीं छिपा दी हो। ये बात मैं आप सबको डेमोंस्ट्रेट करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये स्कल ए है, इस पर हमने ठीक उसी साइज का छेद किया है जो लक्षिता के सर पे था, और स्कल बी और स्कल सी बिल्कुल सही सलामत है। मैं अभी आप लोगों के सामने स्कल बी पर 0.22 पिस्टल से 10 फीट की दूरी से फायर करूंगा और स्कल सी पर स्नाइपर राइफल से तकरीबन 20 फीट की दूरी से फायर करूंगा। जाहिर सी बात है कि दोनों बुलेट से अलग अलग किस्म के घाव होंगे, तो जो घाव लक्षिता के सर के घाव से यानी स्कल ए के घाव से मैच करेगा वो घाव मर्डर वेपन से किया गया होगा। राइट, गुड। कहना बिल्कुल सही है सर, दोनों का खून राइफल से ही किया गया। हाई स्पीड बुलेट से जो घाव इस स्कल पर हुआ है वही घाव लक्षिता के सर पर भी था। विश्वास नहीं हो रहा है सालुंखे साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। विशाल, शौनक और राहुल को लेकर आओ, उन्हें फार्म हाउस लेके चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था।
ये मेरा फोन है, मुझे लेने दो। डॉक्टर सालुंखे आप शांत हो जाइए, अगर आप इतना चिल्लाएंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। प्राइवेट नंबर, हेलो जी, एक मिनट आपके लिए फोन। थैंक यू। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं किया? देखो, हाँ मुझे याद है, मुझे याद है सब कुछ, दोहराने की जरूरत नहीं है, आ रहा हूं मैं वहां पर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? देखो, जो कुछ करना है मेरे साथ करना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आ रहा हूं मैं। लक्षिता और इंद्राणी यहां सोफे पे बैठे हुए थे। अब ठीक से याद करके बताओ कि 10 सितंबर की रात को यहां पे क्या हुआ था, क्या किया था तुम लोगों ने? सर, उस रात करीब 9:15 बजे होंगे सर, हम लोग पिस्तौल लेके जैसे ही फार्म हाउस के बाहर पहुंचे, यहां कोई वॉचमैन नहीं था। फिर? सर, हमने तय किया था कि हम पहले दोनों को शांति से समझाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगी तो फिर उन पर गोली चलाएंगे। तो फिर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की? नहीं सर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे बहुत अंधेरा था, सिर्फ टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि हम लोग कुछ करते, उन लोगों ने हम पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उसके बाद तुम लोगों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी? हाँ सर, क्या करते, उन्होंने शौनक को एक गोली मार दी थी। बस मेरी जान जाते जाते बची है सर, ये देखिए। जब तुम्हें ये गोली लगी, तुम कहां खड़े थे? यहां सर, मैं यहां खड़ा था सर, जैसे ही मुझे गोली लगी मैं वहां पर उस दीवार पर जाके टकराया और मेरा सर वहां पर लग गया। यहां पे गोली लगी तो तारीका, गाड़ी के बैक सीट पर जो खून के धब्बे मिले हैं उनकी जांच हो गई है। दो अलग अलग लोगों का खून है और दोनों में औरत का डीएनए मिला है। हैव अ लुक। दोनों औरतों की उम्र 45 से ज्यादा नहीं होगी। डॉक्टर समीर, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसमें और कोई तीसरे आदमी का डीएनए सैंपल नहीं है? दूसरी बार डीएनए जांच में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर डॉक्टर, मेरा टेस्ट गलत नहीं हो सकता है। ओके। अच्छा, आपने अभी अभी कहा कि दोनों औरतों की उम्र लगभग 45 साल है, राइट? या 45। तो कहीं ये डीएनए इंद्राणी और लक्षिता का तो नहीं? उन दोनों की उम्र भी लगभग 45 साल ही थी। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए उन दोनों औरतों के डीएनए से इस खून के डीएनए को मैच करना होगा। इन तीनों की बातों से और डॉक्टर समीर और तारिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है यहाँ पे सारा चक्रव्यूह जानबूझ के रचा गया है। यस सर, अगर ये तीनों दरवाजे से ही गोली चला के भाग गए तो फिर शौनक का खून लक्षिता के शरीर के पास कैसे मिला? और सर, अगर दोनों यहाँ बैठी थी तो हमें इंद्राणी की लाश यहाँ नीचे कैसे मिली? हो सकता है गोली लगने के बाद वो वहां से उठ के भागी और यहाँ पे गिर पड़ी। और इस दीवार पे गोलियां कहां से चलाई गई? और तो और, इन तीनों लोगों की उंगलियों के निशान इस घर में कहां से आए? अंगत, ये सारी कारीगरी उस अंगत की है, उसने इन तीनों की उंगलियों के निशान और ब्लड सैंपल यहाँ पे प्लांट किए हैं। और सर, अगर इंद्राणी और लक्षिता ने गोलियां चलाई होती तो हमें गन्स भी मिलती, गन्स तो हमें मिली नहीं है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोली अगर दरवाजे की तरफ से चलती तो घाव सर के पीछे की तरफ होता, सामने या साइड में नहीं। अब तो साफ हो गया है डॉक्टर सालुंखे ने जानबूझ के गलत रिपोर्ट बनाई है ताकि हम इन तीनों पे शक करें।
मगर सर डॉक्टर सालुंखे ऐसा करेंगे क्यों? अब ये बात तो डॉक्टर सालुंखे ही बता सकते हैं और डॉक्टर साहब गायब है। समझ में नहीं आता ये सालुंखे अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। सर अंगद के गाड़ी के पैकेट पे जो खून मिला था उसके डीएनए टेस्ट से साबित होता है कि वो खून लक्षिता और इंद्राणी का था और डॉक्टर सालुंखे उस दिन अंगद के साथ ही थे। सालुंखे से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा है उसका। सर सर डॉक्टर सालुंखे तो अपना फोन 24 घंटे ऑन रखते हैं और उनकी आदत है कि वो तुरंत फोन रिसीव करते हैं। लेकिन सर जब हम उनके घर उस दिन गए थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनका फोन है कहाँ। हेलो, पता लग गया अंगद और सालुंखे साहब ने सबसे ज्यादा फोन किस नंबर पे किए थे? हाँ हाँ मैं नोट करता हूँ। पूर्वी फोन दो। हाँ बोलिए। ओके थैंक यू सर। सालुंखे साहब ने 10 सितंबर को अंगद के साथ 15 बार फोन पे बात की थी और हर बार उनकी फोन का लोकेशन वाड़ी और पनवेल के बीच था। अंगद को 15 बार फोन किया है फोन वाड़ी और पनवेल के बीच में? सर अंगद किसी प्राइवेट नंबर से फोन पे बात कर रहा था इसीलिए उसका मोबाइल फोन ट्रेस नहीं हो पाया और 15 सितंबर को रात 9 बजे सालुंखे साहब का मोबाइल शादीन मॉल के पास ट्रेस किया गया है। शादीन मॉल? सर डॉक्टर तारिका से मिलने के बाद अभिजीत और मैं वहाँ डिनर के लिए गए थे और इसी मॉल के पार्किंग लॉट में सर मुझे गाड़ी के विंडशील्ड पे चॉकलेट के पेपर पे लिखा हुआ वो सुराग मिला और उसी सुराग के जरिए हम लोग होटल रेड सेंट्रल के कमरा नंबर 111 तक पहुँचे। सर इसका मतलब डॉक्टर सालुंखे ने आपकी गाड़ी पर वो सुराग हमारे लिए छोड़ा था? सर मतलब डॉक्टर सालुंखे हमारी मदद करना चाहते हैं? पहले ये सालुंखे काम बिगाड़ता और फिर सुधारने के लिए हमारी मदद भी कर रहा है। वाह सालुंखे को तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई बतानी पड़ेगी सालुंखे को। सालुंखे सालुंखे डॉक्टर साहब सालुंखे साहब सर दरवाजा तोड़ दो तोड़ दो डॉक्टर साहब सालुंखे सालुंखे देखो उसे देखो अबे पकिया उठ सीआईडी वाले आगे सालुंखे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब सालुंखे सर सालुंखे गायब है ना? क्या शक था मुझे यही होगा सर। आप ये क्या? सालुंखे का पुराना शौक लकड़ी के मॉडल्स बनाना। डॉक्टर साहब का मोबाइल सर। है मोबाइल छोड़कर गया वो? ऑफ है। सर इसमें ना तो बैटरी है ना सिम कार्ड। बैटरी भी नहीं सिम कार्ड भी नहीं सर। सर सालुंखे सर तो कहीं नहीं मगर अंदर के कमरे में काफी सारे मॉनिटर्स का सेटअप लगाया है। सीसीटीवी मॉनिटर। सीसीटीवी मॉनिटर्स? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बच गया। बच गया। लेकिन अब नहीं बचोगे बच्चू। सर हाँ
ये देखिए सर, खुफिया कैमरा, लगता है कोई डॉक्टर सालुंखे के ऊपर नजर रखे हुए था। सर और ये मोनिका भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, सर मुझे लगता है सालुंखे सर को ये कहीं लेकर गई होगी सर। कहाँ? ये दोनों बताएंगे सर। हमें कुछ नहीं मालूम साहब। क्या जानते हो तुम? सब कुछ नहीं जानते सर। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते साहब, हम तो सिर्फ घर की देखभाल करते हैं साहब। डॉक्टर साळुंखे और मैडम मोनिका के जाने के बाद घर में कोई ना देख पाए सर। डॉक्टर साळुंखे कहाँ है? कुछ नहीं मालूम सर, तो छोटे मोटे टपोरी है सर। हमें कहा गया था इस घर पे नजर रख के, और जब भी कोई इधर ताक जाक करे तो हमें खबर कर दे। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि डॉक्टर साळुंखे और मोनिका कहाँ है, बताओ। कैसे बताए सर, हमें खुद को नहीं पता। हमें तो इतना बताया कि जब तक राहुल, शौनम और विशाल को अदालत सजा नहीं दे देती, तब तक डॉक्टर सालुंखे को अपने कब्जे में रखने का है। सर हमने आपको सब कुछ बता दिया है सर, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है सर। और सर ये भी बता दिया है कि हमने लक्षिता और इंद्राणी का खून कैसे किया, फिर हमें यहाँ क्यों बिठा के रखा है? ये बताने के लिए कि इंद्राणी और लक्षिता का खून तुम लोगों ने नहीं किया। क्या? पर सर हमने तो सर अपने हाथों से लक्षिता और इंद्राणी पे गोली चलाई थी सर। हाँ लेकिन वो दोनों पहले से ही मर चुकी थी। क्या वो दोनों मर चुके थे? हाँ मैं समझाता हूँ, तुम तीनों ने गोलियां जरूर चलाई थी इंद्राणी और लक्षिता पर उनकी मौत जिन गोलियों से हुई वो गोलियां तुम लोगों ने नहीं चलाई। तो फिर वो गोलियां किसने चलाई? उस खूनी ने चलाई थी गोलियां जो तुम्हें इन दोनों के खून में फंसाना चाहता था। सर अगर हमने खून नहीं किया तो फिर हम जा सकते हैं सर? नहीं, तुम लोगों ने खून नहीं किया पर खून करने की कोशिश जरूर की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो अगर तुम तीनों लंबी सजा से बचना चाहते हो तो तुम तीनों को हमारी मदद करनी होगी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जा सके। करेंगे सर, आप जो कहेंगे करेंगे, हम लोग तीनों आपकी पूरी मदद करेंगे सर। और एक बात बताओ, क्या तुम लोगों का ऐसा कोई दुश्मन है जिसे फायदा होगा तुम तीनों को फांसी पे चढ़ाकर? सर सर दुश्मन तो वैसे कई है, हम लोग जिस धंधे में काम करते हैं वहां पर सर दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं, किस किस का नाम ले सर? सर इन तीनों को फंसाने के लिए खूनी को पहले से मालूम होना चाहिए था कि उस रात ये लोग लक्षिता और इंद्राणी का खून करने जाने वाले हैं। ये बात तो है दया, कोई तो जरूर जानता होगा। एक बात बताओ, कौन जानता था तुम्हारे इस प्लान के बारे में कि तुम उस फार्म हाउस पर जाने वाले हो? नहीं सर, ये बात तो हमने राजी रखी थी। वैसे ये प्लान तुम लोगों ने बनाया कहां पर? सर होटल रेड सेंट्रल में। अंगद के कमरे में, कमरा नंबर 111 में? नहीं नहीं नहीं, रूम नंबर 111 में नहीं सर, 308 सर। हाँ हाँ सर। रूम नंबर 308? तो क्या कोई अजनबी आया था तुम्हारे कमरे में 308 में जब तुम लोग बातचीत कर रहे थे? विशाल तुझे याद है जब हम लोग उस कमरे में बात कर रहे थे तो वहाँ एक वेटर आया था इंटरकॉम का फोन रिपेयर करने के लिए, और उसने गलती से टेबल पर रखा हुआ खाना गिरा दिया। अरे अरे गलती से नहीं भाई, जानबूझकर गिराया था उसने खाना। और वो उस कमरे के अंदर कपड़ा ढूंढ रहा था खाना पहुंचने के लिए ताकि वो टाइम पास कर सके और हमारी बातचीत सुन सके। लेकिन सर हमने उसके सामने तो कोई ऐसी बातचीत की ही नहीं थी। सचिन ले जाओ इन तीनों को। चलो आप रेडी, क्या पता चल? सर हमने पूरा फुटेज चेक कर लिया सर, सालुंखे साहब के घर पे मोनिका और तारिका के अलावा बाहर का कोई आदमी आया नहीं था। और सर सालुंखे साहब और तारिका के बीच में कुछ बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? अब साउंड नहीं है इसके लिए समझ में नहीं आ रहा। सर किसी लिप रीडिंग एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। बुला लो किसी लिप रीडिंग एक्सपर्ट को, पता तो चले क्या बात हो रही थी। होटल रेड सेंट्रल, कमरा नंबर 308, वेटर। हेलो सर, आप लोग फिर से यहाँ?
हमें कमरा नंबर 308 दिखा, जहाँ पे शौनक, विशाल और राहुल ठहरे थे सितंबर 10 को। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या बात में, पहले चाबी दो और उस वेटर अमित को बुला। कैमरा और ये बग, इन चीजों के जरिए खूनी शौनक और उसके साथियों का प्लान सुन रहा था। सर, अमित आ गया। आइए अमित जी, आइए। बैठ, बैठ इधर। तूने लगा था ना ये कैमरा और ये बग इस कमरे में, हाँ, ताकि तुम विशाल, शौनक और राहुल की बातें सुन सको। क्यों? नहीं सर, मैंने कोई बग नहीं लगाया सर, मैंने कोई बग नहीं लगाया सर। देख सच बोल, वो बग हमें मिल चुका है, समझा? बात यहीं पे बताएगा या कहीं और ले चले तुझे? हाँ सर, हाँ मैंने लगाया था बग सर, मगर मैंने ये अंकल साहब के कहने पे ही किया था सर, और उन्होंने मुझे 50,000 के बदले में दो काम करने को कहा था सर। कौन से दो काम? सर एक काम तो किसी बहाने इसी कमरे में बग और कैमरा लगाने को कहा था सर। और दूसरा काम? दूसरा काम लक्षिता और इंद्राणी मैडम को इस होटल के बाहर किसी इलाके में छोड़ने को कहा था सर। कब की बात है ये? ये 10 सितंबर शाम को 7:45 के आसपास का टाइम था सर। 10 सितंबर, चल अभी वो जगह दिखा जहाँ पे तुमने लक्षिता और इंद्राणी को छोड़ा था। चल चल। यहाँ पे छोड़ा था मैंने, और सर वो दोनों वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे। तो बात कर रहे थे वो? हाँ सर, बहुत ही गुस्से में बात कर रहे थे सर, कह रहे थे कि वो हमें धमकाने की कोशिश कर सकता है, अगर उसने दगाबाजी करने की कोशिश की तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर उसके बाद में होटल में चला गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ मेरे को सर पता नहीं। सर, इंस्पेक्टर विजय ने डॉक्टर सालुंखे और अंगद की गाड़ी को आखिरी बार यहीं आगे पास में ही देखा था, और बाद में गाड़ी की बैक सीट पर उन दोनों औरतों के खून के निशान भी मिले। ऐसी जगह पे राइफल या स्पीड बुलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। खूनी ने राइफल का इस्तेमाल किया है, पिस्टल का नहीं। और गोली 5 फीट की दूरी से नहीं, काफी दूर से चलाई गई है। एक काम करो, आसपास देखो कोई सबूत मिलता है क्या। तो गोली और उसमें खून भी लगा हुआ है, दो दो गोली एक ही जगह पे कैसे? जो भी हुआ यही आसपास कहीं हुआ है। सर आने के लिए। सर इस झाड़ी में ये सैंडल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है, लेकिन सर खून सूखा हुआ है सर। खून लगा? हाँ सर। सर ये तो लक्षिता मैडम का बैग है, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन होटल में वो यही बैग लेकर आई थी। लक्षिता मैडम का बैग? यस सर। ये खून लगा हुआ है, इस बैग पे जो उंगलियों के निशान है जरूर उस खूनी के होंगे, और वो खूनी भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा।
बंदूक। लक्षिता के फार्म हाउस के रखवाले हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मुझे माफ कर दो साहब, साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया साहब, मुझे तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था साहब। सच बता, तूने झूठी कवाई क्यों दी? हमें पता चल चुका है कि तूने फार्म हाउस में कोई खून होते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम उन दोनों की मौत 7:30 बजे हुई और यहाँ पे। साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब मुझे अंगद साहब ने बोला था ऐसा करने के लिए साहब। अंगद मर चुका है। मुझे कोई दूसरा आदमी फोन करके काम करने के लिए कहता था साहब। कौन है वाद? मुझे नहीं पता साहब कौन है वाद, वो कभी सामने नहीं आया साहब, वो हमेशा मुझे फोन पे बोलता था सर। मगर अब उसे सामने आना ही होगा। चल चल। मिस्टर मयंक, इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए और हमें बताइए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। यही तो मेरा काम है ऑफिसर, मैं उनकी होठों की मूवमेंट से पता लगाऊंगा कि वो क्या बोल रहे थे। ACP सर, लक्षिता CID टीम। फॉरेंसिक। अभिजीत, उस प्लॉट पर से जो पर्स मिला उस पर जो उंगलियों के निशान है वो खूनी के ही है। सर ये खूनी बहुत चालाक है, काम होने के बाद अपने आदमियों को भी मार डालता है। अंगद के अलावा किसी और को कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में, इसलिए लक्षिता और इंद्राणी को मारने के बाद उसने अंगद का भी खून कर दिया। और इसीलिए अभिजीत मुझे साळुंखे की चिंता हो रही है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। समझ भी नहीं आता गया कहां। हमें कुछ मिला क्या? सर कोशिश कर रहा हूं सर। सर ये मोनिका मुझे नर्स नहीं एक क्रिमिनल लगती है, जरूर यही साळुंखे साहब को कहीं ले गई होगी। हाँ, और ये तारिका, ये साळुंखे के घर क्यों गई थी उससे मिलने? और ये बात उसने हमें बताई भी नहीं। सर सर ये देखिए, तो डॉक्टर तारिका डॉक्टर साळुंखे से माफी मांग रही है और कह रही है ACP सर और पूरी CID टीम लक्षिता इंद्रायणी मर्डर केस में की गई आपकी फॉरेंसिक जांच पर शक कर रही है। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सर सर ये भी देखिए, डॉक्टर साळुंखे किसी के साथ फोन पर गुस्से में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जो करना है मेरे साथ करो, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूं। उस लड़की को जाने दो, है कौन ये लड़की अभिजीत जिसे साळुंखे बचाने की कोशिश कर रहा और फिर खुद गायब हो गया? कहां गायब हो गया ये साळुंखे? ये सारा चक्कर क्या है? डॉक्टर समीर, ये देखिए सर, ये तो हाई स्पीड बुलेट है। यस सर, और ये .22 कैलिबर की राइफल से फायर की गई थी। लक्षिता और इंद्राणी के शरीर पर जो घाव थे वो इन्हीं बुलेट से हुए थे सर। समीर, यस सर, ये अंगूठे का निशान है ना? यस सर। ये ऐसे धुंधले क्यों हैं ये निशान? ये ठीक से मिले नहीं? नो सर, ये धुंधला नहीं, ये निशान ऐसे ही है। एक्सप्लेन, ये देखिए सर, फोन से सनी हुई बाकी उंगलियों के निशान हैं इस बैग पर, लेकिन अंगूठे का निशान नहीं है सर। अभिजीत, ये अंगूठा डैमेज्ड है जिसकी वजह से रेखाएं मिट गई हैं। हाँ सर,
सर लगता है ऐसा हाथ मैंने कहीं देखा है। बिल्कुल सही अभिजीत, मैंने भी ऐसे अंगूठे वाले आदमी को देखा है। लेकिन अभिजीत, हम ऐसे अंगूठे वाले खूनी को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक हमें ये पता नहीं कि उसने सालुंखे को छुपा के रखा कहाँ है। और फिर सालुंखे किस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है समझ भी नहीं आ रहा है, और फिर क्यों? तो अब क्या करें सर? कुछ तो जरूर करेंगे। सालुंखे को तो ढूंढना ही है। जरा सोचो, सालुंखे ने फोरेंसिक का रिपोर्ट गलत बनाया था ताकि हम उस पर शक करें, और फिर उन्होंने दया के लिए होटल रेड सेंट्रल का सुराग छोड़ा, उसकी गाड़ी के वाइपर पे। उन्हें पता था कि हम उनके घर पे पूछताछ करने जरूर जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि उनके घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सर डॉक्टर सालुंखे ने हर कदम पे बहुत होशियारी से हमारे लिए सुराग छोड़े हैं, तो अपने घर पे कोई ना कोई सुराग छोड़े बगैर तो जा नहीं सकते सर। लेकिन सर हमें उनके घर पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। है सुराग है। कौन सा सुराग सर? घर, रेडी घर, एक लकड़ी का छोटा सा घर। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि सालुंखे घर से बाहर जाने से पहले एक छोटा सा घर बना रहा था। वो घर तो डॉक्टर तारिका के घर जैसा है सर। हाँ, तारिका कहाँ है? डॉक्टर समीर तारिका कहाँ है? सर अंगद की कार सीट पर जो खून के धब्बों के निशान मिले थे उनकी जांच करने के बाद वो कहीं चली गई है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। फोन नहीं मतलब डॉक्टर सालुंखे फोन पे जिस लड़की को बचाने की बात कर रहे थे वो डॉक्टर तारिका है? हाँ अभिजीत, सालुंखे तारिका के घर ही गया है। इसका मतलब है सालुंखे और तारिका की जान खतरे में है। आज तुम दोनों की मौत होगी। आज ये सारा किस्सा ही खत्म होगा। नहीं 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 डॉक्टर तारिका, ऐसे रोते नहीं। अरे अपने बॉस को देखो कैसे बैठे हुए, निडर शांत। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को ना, जरूरत से ज्यादा चालाक और चतुर। ऐसे चालाक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौत भी एक एक्सपर्ट के हाथों होनी चाहिए, वो होगी। इंजेक्शन दे दो सर, हर किसी नहीं। सीआईडी मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती है, मैं ये इंजेक्शन खुद इंजेक्ट करूंगा। नहीं, नहीं। तुम ठीक हो डॉक्टर तारिका? बहुत होशियारी दिखा ली तुमने तुषार, पता मेरी साथी मोनिका कहाँ? मैंने उससे भी जहर का इंजेक्शन दिया, साथी तक को नहीं छोड़ा। पंकज जल्दी से मोनिका के पास जा और उसे हॉस्पिटल पहुंचा। अब तेरा खेल खत्म तुषार। तुमने डॉक्टर सालुंखे को बेईमानी करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने बेईमानी में भी ईमानदारी दिखाई और हमारे लिए सुराग छोड़ दिया। आपने मुझे धोखा दिया डॉक्टर साहब। अगर मुझे फांसी नहीं दी तो जेल से निकलने के बाद मैं सीधे आपका खून करूंगा। अगर दोबारा डॉक्टर सालुंखे के साथ ऐसे बात की तो तू बोलने लायक भी नहीं रहेगा। कितनी मेहनत से मैंने ये पूरा प्लान तैयार किया था,
एक तीर में 5 शिकार, लक्षिता, इंद्राणी, राहुल, विशाल, शौनक सबको एक साथ अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था मैंने। इंद्राणी और लक्षिता को तुमने क्यों मारा? क्योंकि मैं इनकी पूरी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए मेरे लिए इनका मरना बहुत जरूरी था। मैंने इन्हें इस तरीके से मारा कि इनके खून के इल्जाम में ये तीनों फंस जाएं और इन्हें फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि इन तीनों ने लक्षिता और इंद्राणी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए सबको यही लगता कि खून इन तीनों ने किए। लेकिन इस सब में डॉक्टर साळुंखे को क्यों फंसाया तुमने? क्योंकि CID डॉक्टर साळुंखे पर बहुत भरोसा करती है, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर केस की तहकीकात आगे बढ़ाती है, यहाँ तक कि अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने डॉक्टर साळुंखे को गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने पूरी की पूरी CID टीम के पीछे अपने स्नाइपर लगा रखे? वो भी बहुत अच्छे स्नाइपर, इनका निशाना कभी चूकता नहीं है डॉक्टर साहब। इसलिए मेरे कहे अनुसार अगर आपने इस मर्डर केस में इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में बदलाव नहीं किया ना, तो क्या? तो मैं आपकी पूरी CID टीम को एक साथ एक समय मरवा डालूंगा। मेरी मदद करेंगे ना? देखो तुम, आप मेरी मदद करेंगे? अगर आपने एक भी CID ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना, तो मैं पूरी की पूरी CID टीम को खत्म कर दूंगा। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, 16 साल पुराने आपके दोस्त और CID टीम, इन सब की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं, तुम्हारी हर चीज अभी रिकॉर्ड करेगा। तुमने डॉक्टर साळुंखे पर दबाव डालने के लिए हमारी जान लेने की धमकी दी? एक इंसान के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है। अब बताओ, 10 सितंबर की रात को पनवेल के फार्म हाउस में क्या हुआ था? मुझे पता था अंधेरे में गोलियां चलाने के बाद राहुल, शौनक और विशाल को यही लगेगा कि उन्होंने लक्षिता और इंद्राणी को मार डाला है। जब वो वहां से भाग रहे थे, तब मैंने वॉचमैन संतरू का इस्तेमाल किया। मुझे एक चश्मदीद गवाह की जरूरत थी, जिसके बयान पर CID भी भरोसा करती और जो बाद में अदालत में भी तीनों के खिलाफ गवाही देता। प्लान तो तुमने बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन डॉक्टर साळुंखे की होशियारी और हमारी टीम की सूझबूझ और एकता के कारण तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। अब तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस तैयार करेंगे कि इस डबल मर्डर के लिए तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, यार हमने तुम पर शक किया, मगर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हमें बचाने के लिए। सॉरी यार। अरे सॉरी? हाँ सॉरी। कम ऑन यार, अरे मेरा फर्ज था ये सब कुछ करना। पिछले 16 साल से हम लोग एक परिवार के तरह से काम कर रहे हैं। CID मेरा अपना परिवार है यार। हाँ मैं मानता हूँ, एक पल के लिए मुझे कश्मकश थी कि मैं CID को भी बचाऊं और अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी भी नहीं करूं, ये प्रॉब्लम थी मेरे सामने। लेकिन यार प्रद्युमन, प्लीज डोंट से सॉरी यार, प्लीज। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ है ना, भूल जा यार। लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है मालूम है? जो तू सही सलामत वापस आया वन पीस में। आना ही था मुझे वापस, मुझे पूरा भरोसा था तुम लोगों पर, मुझे मालूम था तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। तू रोता क्यों है? रो नहीं रहा हूं मैं यार, रो नहीं रहा हूं मैं यार। तुम नहीं सुधरोगे यार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.